बधाई हो देश के युवा बेरोजगारों, आप पर लाठी चली तब किसी ने नहीं सुना। देखा है आपने, एक पहले सुशांत का केस मीडिया के सामने छाया रहा, इसमें पूरा कई महीने बीत चुके हैं। अब आपको एक नया केस, बधाई मतलब एक नई विकास हमारे भारत की होने जा रही है। अभी कंगना रनौत अब न्यूज में आ चुकी हैं, अब आपका मुद्दा कुछ दिनों के लिए और ठंडा पड़ चुका है। और सबसे बड़ी शर्म की बात एक है, देश का देखिए दुर्भाग्य ही अलग बात है कि ऐसे नेता, इस तरह की मीडिया को आप लोग अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो अपने कर्तव्यों से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। आप देखिए, या तो मतलब कुछ मीडिया, अगर आपसे लिखने को अगर कहीं पूछा जाए जिंदगी में, मुझे लगता है कि इतिहास में जो लिखने वाले होंगे आगे इतिहास, वो भी बैठ के रोएंगे। एक कहावत है ना कि वो सीता कह गई कि राम कह गए सीता से, कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस धरती को बनाने वाला भी, इंसानियत को बनाने वाला भी बैठ कर चिल्लाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? मेरा कहने का मतलब है कि आप सोचे कि बेरोजगारों पर अभी एमपी में लाठी चली, उस बात को किसी ने नहीं देखा, उस बात पर आपने मीडिया ने किसी ने सवाल भी नहीं किए। और आप देखिए कंगना रनौत हो गई, इस तरह के मुद्दे, आप हम लोगों को क्या मतलब है इस राजनीति से? जेड प्लस सिक्योरिटी, बाई प्लस, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है, मीडिया को किस लिए सिक्योरिटी की जरूरत है? समझ रहे हैं? अगर दोगलापन मीडिया ना होता तो मुझे नहीं लगता है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत इन्हें पड़ती। अब देश की सरकार जनता का पैसा है उड़ाइए, विकास कर रहा है देश हमारा, आप कहते हैं जीडीपी गिरेगी क्यों नहीं, कहां जाए? और सबसे बड़ी शर्म की बात याद रखिए, देखिए ये मुद्दा आपका छाया हुआ है, ये कोई भी चैनल है न्यूज के, ये मतलब इतने नीचे गिर सकते हैं किसी हद तक। नेताओं की तो ठीक है, गिर चुके हैं गिर चुके हैं, ये भी अपने कर्तव्य से मतलब भटक चुके हैं। देखिए 20 हजार कम से कम बेवकूफ हैं, या फिर आप समझदार कह लीजिए इन्हें, ओवर जो भी कहना हो, कि अभी कम से कम ऑनलाइन जाकर इन्हें देख रहे हैं इस मुद्दे को। चलिए यहाँ आप देखिए 97 हजार कम से कम बेवकूफ या समझदार हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं। और अभी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि सोशल मीडिया पर काफी, यहाँ देखिए 318 हजार, आप समझ रहे हैं मतलब लोग हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं। और अभी आप न्यूज खोल लीजिए, अभी कल ही देखा है आपने कि चीन में मतलब सड़क पर जो एक तरह से झड़प हुई है, उसके बारे में नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे किसान हों, फिर चाहे स्टूडेंट हों या जवान हों, इनकी कीमत, इनकी जान की कीमत कुछ नहीं है नेताओं के लिए, मीडिया के लिए, इनके लिए सिर्फ टीआरपी ही सब कुछ है। अब मैं तो कहता हूं कि अपने भगवान से दुआ करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, कि देश की रक्षा करें, ठीक है? क्योंकि आप देखिए अगर 1900 हमारे ऊपर अंग्रेजों का हमला हुआ, आप देखिए हमारे ऊपर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, कई राजा महाराजाओं ने आपने देखा है प्राचीन काल से ही, लेकिन हमारी संस्कृति या हमारे भारत को कोई खतरा नहीं रहा है लोगों से, कोई हमारी संस्कृति को छीन नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया। लेकिन आप 1947 के बाद से देखिए स्थिति को, जितना बुरी तरह से हमारी संस्कृति को अगर प्रभावित किया हुआ है, तो इन्हीं कुछ चंद गद्दारों ने एक तरह से आप कही। और एमपी की हालत आपने देखी है, मतलब सोचिए कि मतलब लाठी चली, उसके उस मुद्दे को किसी ने नहीं दिखाया। और ये मतलब सोचिए उनका काम, मतलब इस तरह के काम दिखाए जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना, किस पर क्या चल रहा है? और आप उनके युवाओं के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, मीडिया ने ना किसी जनता ने किसी नेता ने, इनके लिए आप देखिए 200 गाड़ी 300 गाड़ियों की मतलब बात की जा रही है, इनकी आवाज इनका साथ देने की बात की जा रही है, युवाओं के लिए देते कम से कम। मैं किसी धर्म या किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बस मैं हकीकत वो बता रहा हूँ कि शायद इतिहास में लिखा जाएगा जब, तो वो इतिहास में जो लिखने वाला होगा वो भी बैठ के बड़ा रोएगा, और पढ़ने वाले भी बड़ी बुरी तरह से सोचेंगे कि क्या समय था कि दुनिया, आप सोचिए चीन जहां से वायरस की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जहां से कोरोना वायरस चला है, वो +3 में, मतलब आप सोचिए +3 GDP जा रहा है, प्लस में, या आप सोच सकते हैं कि प्लस में विकास दर कर रहा है, और हम जाके माइनस में चले जा रहे हैं, और एक दो माइनस नहीं, 20+ माइनस, आप सोचिए, आप समझ रहे हैं मतलब कितनी बुरी हालत है, अर्थव्यवस्था क्यों ना गिरे, आप खुद तो लगाइए दिमाग, उन्हें क्या मतलब है? आप सोचिए सभी वीआईपी सुविधा है, मर तो रहा है बेरोजगार। अभी मामा ने देखा है, ट्विटर देखा था मैं, कि बेटी बेटियों के लिए नौकरी का मैं जल्दी ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, वहां नीचे दिया गया था कि वो आप मुझे वोट दीजिए, आप लोगों का साथ दूंगा, ऐसा करूंगा वो ऐसा करूंगा, जब देखिए भांजी भांजियों पर लाठी चली तब कोई कक्का नहीं आया वहां समझाने के लिए।
आज हम लोग गांधी या फिर किसी भी नेता को गाली देते हैं, हमें खुद शर्म नहीं है हमारे अंदर, हम मुंह खोल देते हैं नाली की तरह। हमें कम से कम समझना तो चाहिए कि उनकी बराबरी हम जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए दिया है देश आजाद करवा के, देखिए उसमें भगत सिंह का भी, भगत सुखदेव, राजगुरु, इन सबका योगदान था, और गांधी जी का सबका योगदान था। आप इतिहास में जाकर देखोगे तो मुझे लगता है पता चलेगा। लेकिन अब मैं इतना ही कहूंगा कि बेरोजगारों का हाल बहुत विकास कर गया देश, क्या कहा जाए। और ये युवा बड़े, मतलब आप सोचिए हम लोग बड़े एक तरह से बिचारे सीधे साधे होते हैं कि किसी दो चार बातें करते हैं मुद्दा दब जाता है। अब देखना, आप बिहार के चुनाव में सुशांत के बेचारा मर चुका है, जो उसके नाम पर भी वोट बटोरे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको चीन, और आप अगर इस तरह से आप चल रहे हैं, अंधभक्ति में चल रहे हैं किसी भी पार्टी की, मैं किसी की का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि करेगा वो भुगतेगा, इतिहास में उसे गाली पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन 1975 की 77 की आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकाल में उनको पूरी तरह से धो दिया था, उनकी सब अच्छाई भूल चुके थे। तो आज जो कर रहे हो वही आज से 100 150 200 साल बाद अब आएगा, इतिहास लिखे जाएगा, तब गाली पड़ेगी। ठीक है, कोई भी पार्टी हो इससे कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी को भी यही एक तरह का घमंड था कि मेरे सिवा कोई नहीं है, उन्हें भी गद्दी से उतार दिया। ये जनता जागरूक होती है, अंग्रेजों को भी यही घमंड था, समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल युवाओं की बात है, उनके रोजगार की बात है, क्योंकि एक लड़का घर से निकलता है कितनी उम्मीद रहती है उस परिवार को। शायद मुझे लगता है कि ये नेता कभी नहीं समझेंगे। देश की अर्थव्यवस्था क्यों ना गिरे, आप सोचिए, फ्री फंड का पैसा उन लोगों पर खर्च किया जा रहा है जिनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या मतलब हमें राजनीति से, जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ रहे हैं। देना है तो आपको युवाओं को रोजगार दीजिए ना, उसकी बात करिए ना आप लोग। हमें क्या लेना देना है कि कौन किस पर कटाक्ष कर रहा है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग, देखिए इनमें से आप सोचिए कि मतलब इसमें लगे हुए हैं, लाखों लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन रोजगार की उम्मीद भी मत कीजिए, मुझे लगता है। और ये भी मत भूल जाइएगा, चीन से आप लोग बराबरी कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक आप बराबरी कर पाएंगे अगर इस अंधभक्ति से रहे। अमेरिका से बराबरी करनी है तो अमेरिका जैसी सोच रखनी होगी, जापान से बराबरी करनी है तो जापान जैसी सोच रखनी होगी। ठीक है, शिक्षा का खास हालत आप देख रहे हैं, बिहार का भी आप हालत देख सकते हैं कि बाढ़ से पूरा बिहार तबाह हो चुका है, शिक्षा के मामले में सबसे बुरी स्थिति है। आप देखिए गरीबी में नीचे है, महिलाओं की स्थिति देखिए निचली स्तर पर है, साक्षरता में आप देखिए निचले पर है। फिर भी मुद्दा क्या बन गया चुनाव पूरा, सुशांत सिंह राजपूत, और आप देखिए पूरा चुनाव उसी पर खत्म हो जाएगा। और आप देखते रहना, विकास, एक नया विकास पैदा होता रहेगा, अभी कगना हो गई, अब आने वाले समय में कोई भी और नया केस आ जाएगा। GDP आप भूल जाएंगे, चाइना भारत पर जो स्टैंड बना हुआ है एक तरह से विरोध, वो भूल जाएंगे आप लोग। इसमें आप अपनी अंधभक्ति दिखाते हुए वोट ठोक देंगे, ठोकिए, गुलामी करिए, आपको शोभा देगा शायद, मुझे लगता है। चलिए, करते रहिए अपनी भक्ति, शायद इतिहास में तुम्हें इसी, देखिए इसी तरह गुलाम उस समय भी हुआ करते थे, आज के गुलाम में उस समय के गुलामों में कोई फर्क नहीं है। और वो लोग जो अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है दिल्ली सरकार को गाली देते थे, वो अपने अंदर झांक लें थोड़ा बहुत। मैं कहता हूँ कि उनके कम से कम जिन माँ बाप ने वोट अरविंद केजरीवाल को दिए, दिल्ली सरकार में जिताया, उनके आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें याद करेंगी, उनकी पूजा पाठ करेंगी, उन्हें सम्मान देंगी। लेकिन हम आपको देखना कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर कितनी लानत भेजेगी, क्योंकि आपने देखा है, शिक्षा का मामला लीजिए दिल्ली का, कहा जा रहा है अभी सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आया हुआ था अभी, तो उसमें आपने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने। स्वास्थ्य व्यवस्था की देख लीजिए आप लोग हालत, VIP है। आप क्या चाहते हैं, गरीब को यही तो चाहिए, हर जनता को यही चाहिए, हर व्यक्ति को। खैर छोड़िए, वो एक कहावत है ना कि जगाया उन्हें जाता है जो सो रहे हों, इनका लेकिन जमीर मर चुका होता है, उन्हें जगाना मुश्किल है। आज देखिए फेसबुक पर अब हर युवा लगा हुआ है, शेयर पर, मतलब एक एक बटन दे दिया गया शेयर, उसमें कोई भी जानकारी आती है, सही है या गलत है नहीं, कोई मतलब नहीं है, शेयर कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए और आपकी विकास यात्रा शुरू हो जाती है। चाइना से बराबरी करने जाते हैं हम लोग,
उस जैसी कम से कम सोच तो होनी चाहिए। मैं ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 70 साल से खा रहे हैं देश लूट कर, और खाते रहने दीजिए। चलिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, जो एग्जाम आए उसकी तो कम से कम करते ही रहिए, और भगवान से दुआ करते रहिए कि खोलिए आंखें, आप लोगों के बारे में कोई सोचे, ठीक है, देश के बारे में कोई सोचे, देश को आगे बढ़ाने में कोई सोचे। आज तो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो भी सोच रहे होंगे कि हमारी जान देखिए, मतलब एक तरह से हमने हमारी शहादत बेकार गई हुई है। ऐसे नेताओं को बताइए, एक समय हुआ करता था, कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज के नेताओं को, मैं तुम्हें मुझे तुम वोट दो मैं तुम्हें इतना कंगाल करके छोड़ूंगा, इतना भ्रष्टाचार करूंगा कि आप भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी मुझे। ऊपर वाले से दुआ करिए, और क्या कर सकते हैं, विकास ही विकास तो हो रहा है चारों तरफ। चलिए लगे रहिए विकास यात्रा में, आप भी शामिल बने रहिए, ठीक है, और अपने बच्चों की भी बनाए रखिए, उन्हें भी अंधभक्ति सिखाते रहिएगा, वो भी करते रहें। क्या बोले, ऊपर वाला करेगा, अब तो ऊपर वाले से थोड़ा डरते हो तो डरते रहा करिएगा, मारने से कुछ नहीं होता है ऊपर वाले को, उससे डरना पड़ता है, ठीक है। कंगना रनौत दिल्ली पहुंची, मुंबई पहुंची, कहाँ से निकली, क्या कितने बजे क्या हुआ, ये सभी आपका करंट अफेयर्स में पूछने लायक है, क्वेश्चंस बनेंगे, देखते रहिए छात्र, ठीक है, पढ़िए मत, यही करते रहिएगा, ठीक है।